सो गाइस आज हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एक्जिनॉस वेरिएंट और यहाँ पे जितने भी एक्जिनॉस वेरिएंट के यूज़र्स हैं उन सभी के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी लेके आया हूँ। वो ये है कि इसमें एक और अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। कैसा अपडेट रहता है, क्या उसमें रहता है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में चेक करने के लिए अपडेट आया है कि नहीं वो देखने के लिए, और यहाँ पर जाएंगे नेट कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में और डाउनलोड एंड इंस्टॉल में। जैसे यहाँ पर चेकिंग होगी उसके बाद आपके सामने अपडेट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज़ है अपडेट का वो 262 MB हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर लिखा है कि द सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, और यहाँ पर नीचे ये भी दिया गया है कि ये जो अपडेट होगा ये सिर्फ इन चीज़ों तक लिमिटेड नहीं होगा और इसमें डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स होंगे, बग फिक्सेस होंगे एंड ऑल इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। और आपको ये टाइम टू टाइम अपडेट रखना है जिससे आप अपनी डिवाइस की मैक्स परफॉर्मेंस ले सकें। दोस्तों बात करते हैं कि इसका अभी कौन सा सिक्योरिटी पैच चल रहा है, बाद में चेक भी हम कर लेंगे। तो हम यहाँ जाएंगे अबाउट फ़ोन में और यहाँ पे हम अबाउट फोन में आ चुके हैं। अबाउट फोन में जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 अगस्त का भी हमें पैच देखने को मिलता है। तो फटाफट से मैं अभी काम करता हूँ, ये जो अपडेट है जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में भी आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे रिज्यूम डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये अपडेट फटाफट से डाउनलोड हो जाए। तो फटाफट से मैं काम करता हूँ, इस वीडियो को कट करता हूँ और अपडेट डाउनलोड करने के बाद फटाफट से इसको इंस्टॉल करके लेकर आता हूँ। सो गाइस जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है वो फाइनली अपडेट हो चुका है। तो फटाफट से जाके एक बार पहले वर्जन्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ चुके हैं। और अगर वर्जन चेक करें तो यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जो कि पहले से चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारे और भी वर्जन हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस हुए थे इसमें, ये एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट था। एंड एट दी एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो जो एनिमेशन था थोड़ी सी स्मूथ है, थोड़ा सा वही जो हर अपडेट में ये लोग करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में हमें फ़र्क देखने को मिलता है, जो कि अब हल्की सी बेटर मुझे देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसको जरूर रिप्लाई दे देंगे। एंड अगर आपको कोई सजेशन है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,